हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी की 9th क्लास की मैथ स्टार्ट कर चुका हूं और एक क्लास में पहले भी ले चुका हूं, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको 1.1 कंप्लीट करा चुका हूँ और 1.2 आज कराने वाला हूँ। तो मैं आपको इसमें समझा चुका हूँ नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इनको मैं पहली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है वो इरेशनल और रियल नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार और इनको आपको क्लियर कर देता हूं आखिरकार क्या होते हैं, ठीक है। एक इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो ये होती है इनको कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि ये इरेशनल नंबर कहना चाहता है कि इन नंबरों को कैन नॉट बी यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है दोस्तों। अगर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इनको कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी बात है। लेकिन आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा, रेशनल नंबर बोलता था कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन नंबरों को हम लिख सकते हैं वो वाले नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर, लेकिन इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक कंडीशन और होती है कि वेयर अगर बात करें पी एंड क्यू आर इंटीजर होता है, क्या होता है पी एंड क्यू आर इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। और वो नंबर कौन से होते हैं अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं। और आप बोलोगे रूट फोर क्यों नहीं हुआ, अरे भाई रूट फोर अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो टू आएगा, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये रूट टू ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये एक इंटीजर है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। और इन्हीं इरेशनल नंबरों को हम नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज में यही बताया गया है, ठीक है। रूट थ्री को, रूट फोर को, सॉरी रूट थ्री को, रूट फाइव को, सही है, ऐसे बहुत सारे नंबर है इरेशनल, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम यही नंबर हम अगले वाली एक्सरसाइज में बताएंगे आपको। इसी के साथ साथ इस एक्सरसाइज में और नंबर भी एक्सप्लेन किया गया है, मैं उसको भी बता देता हूं आपको यहीं पे। वो नंबर कौन सा है, एक रियल नंबर होता है, मतलब बेसिकली जितने भी नंबर मैंने पढ़ाए ना, ये समझ लीजिए रियल नंबर उन सबका बाप है, ठीक है। सभी नंबरों का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या होते हैं अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रियल नंबर की, ठीक है ना, रेशनल एंड इरेशनल मेक्स टुगेदर रियल नंबर। यानी कि ये कहना चाह रहा है रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ मिलके रियल नंबर बना देते हैं, ठीक है। और हर रियल नंबर यूनिक नंबर होता है और नंबर लाइन पे यूनिक नंबर ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं बात करूं ये जीरो है, ठीक है, अगर एक रियल नंबर 1.72 यहां होगा तो 1.73 यहां होगा। हर वो नंबर, ठीक है, जो नंबर लाइन पे एक यूनिक नंबर शो करे उसी को हम कह देते हैं रियल नंबर। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल इसका सॉल्व कराता हूं, ठीक है।
वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। हाँ तो देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, आपकी बुक का है एनसीईआरटी का, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। इसको सॉल्व करते हैं कि √3 ऑन द नंबर लाइन कैसे लोकेटेड होगा ये वाला, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये कोई नंबर लाइन है, ओके, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये -1 है, -2 है और -3 है, ठीक है। ये कोई नंबर लाइन है। अब √3 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा? अरे बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो हो सकते हैं, बात √3 की है भाई, कैसे करें इसको? खैर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट ये लेंथ ले लूँ, ठीक है दोस्तों, और एक यूनिट में इधर ऊपर ले लूँ, ओके, एक, और मैं अगर इसको ऐसे मिला दूँ ये, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक राइट एंगल दिख रहा है आपको। अगर इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और मैं इस राइट एंगल को यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ये बन गया, ये O है, ये A है, ये B है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और ये वाला मुझे फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये राइट एंगल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं बात करूं ओ ए की, यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या है आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और ये थ्योरम कहती है कि अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो वो कैसे होता है? अगर मैं इसको OB मानूं तो ये OB हो गया, OB का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू करता हूं OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और यही कहती है ये थ्योरम, यानी कि इन दो भुजाओं के स्क्वायर का योग इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हालांकि मैं इसको आपको प्रूव करना सिखाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको कि किस कैसे इसको प्रूव करते हैं, ये कहां से आई, कैसे एक्सप्लेन हुआ, लेकिन हमें बेसिकली इतनी ही जरूरत है यहां पे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि मुझे अगर ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है, और ये वाली लेंथ आपको दी हुई है, तो मैं अगर यहां पर वैल्यू डालूं, ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और ये OB का स्क्वायर हो गया, और OB का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, और OB बराबर आपके पास √2 आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको मिल गई √2। तो मैं इस यहां पे आपको क्या लिख सकता हूं, √2 लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब यहां पे एक सवाल ये सॉल्व हो जाता है कि √2 भी नंबर लाइन पर शो हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा? अब ये आपको डिस्टेंस दिख रही है, ये वाली OA वाली, इसको अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस को ले लीजिए, इतनी डिस्टेंस को, और इसको ऐसे ऐसे करके एक सर्कल बना दीजिए, ऐसे करके, समझ आ रहा है ना यहां तक? अगर ये सर्कल बनता है और ये पॉइंट कट हुआ ना, ये पी, ये ही होता है आपका √2। बात यहां तक तो आपको समझ आ जाती है कि √2 नंबर लाइन पे लोकेटेड हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन हमें तो √3 लोकेटेड करना है। अभी बात आगे और चलने वाली है, तो कैसे चलती है? कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे फिर इस डिस्टेंस को आगे बढ़ा देना है ऐसे, और ये एक 90° एंगल और बना देना है, ठीक है, और इस वाली डिस्टेंस को ऐसे ये मिला देना है ऐसे, ठीक है, और इसको कोई पॉइंट आप सी दे सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। ये √2 हो गई, और ये वाली डिस्टेंस आप 1 मान लीजिए, फिर आपको हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ गई, यानी कि OC, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली डिस्टेंस OC मिल गई ना, समझ लीजिए आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, वही राइट एंगल हो गया, पाइथागोरस लगा लो, अगेन अगेन लगा लो पाइथागोरस, ठीक है। थ्योरम वो क्या कहेगी, अब भाई ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस है, वैल्यू आपके पास है भाई, इसकी वैल्यू रूट टू है, ये रूट टू है ना, कोई दिक्कत है यहां तक, और इसकी वैल्यू वन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना भाई। इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है रूट टू से ये अंडर रूट कट जाता है, ठीक है ना। आगे इसको करते हैं, ये टू बचा और ये इसका स्क्वायर वन का वन ही होता है और वैल्यू आ गई थ्री, यानी कि ओ सी आपके पास ओ सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री आ गया, तो ओ सी की वैल्यू आपके पास रूट थ्री आ चुकी है, यानी कि ये वाली वैल्यू यानी कि ये वाली दूरी रूट थ्री मिल चुकी है आपके लिए। अब बात रूट थ्री की ही थी, ठीक है ना दोस्तों। अब रूट थ्री की तो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, फिर वही करना है आपके कंपास में, इतनी डिस्टेंस लेनी है कितनी, ये वाली, और ऐसे आपको फिर सर्कल बना देना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे एक सर्कल बना देना है ऐसे करके, और ये डिस्टेंस जहां आ जाए ये आई, इसको क्यू मान लीजिए और इसको रूट थ्री आप नाम दे दीजिए, ठीक है ना। इसको ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, ये थ्री मान लो, ये रूट थ्री, ठीक है ना, ये टू है। तो इस तरह से आपने इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों देखा है कि आपने क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके लिए, तो इन स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं ये ट्रू है या फाल्स है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, भाई बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेक्स टुगेदर रियल नंबर, और ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेक्स टुगेदर रियल नंबर। अब आप देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, भाई बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, साले रेशनल नंबर इरेशनल नंबर रियल नंबर ही तो होते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका ट्रू, क्या हो जाता है, ट्रू। अब स्टेटमेंट सेकंड पे बात करते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वो नंबर, ये जीरो है, ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये माइनस वन माइनस टू, ये कहना चाह रहा है प्रत्येक वो नंबर जो रूट एम की फॉर्म में हो, सही है ना, और एम यहां पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्या वो हर नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। अरे भाई आप बताओ कि एक रूट टू है, एक रूट थ्री है, एक रूट फोर है, अगर इन दो के बीच में बात ले लो, हर वो नंबर, सही है, हर वो नंबर रूट टू और रूट थ्री के बीच में आए, क्या वो नंबर लाइन पर आ सकता है। आपको एक बात मैंने पढ़ाई थी पिछली क्लास में कि दो रेशनल नंबर के बीच में, यानी कि कोई दो रेशनल नंबर है, ये और ये ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है ना, रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, कोई दो नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये वाले नंबर कभी भी, हर वो एवरी नंबर जो रूट एम की फॉर्म में हो, नंबर लाइन पे शो नहीं हो सकता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हो जाता है फाल्स आपका, क्या हो जाता है, फाल्स, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, अरे भाई कैसे हो जाएगा, आप बताओ, मैंने क्या बताया था रियल नंबर की डेफिनेशन, मैंने क्या बताई थी, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर मिक्स टुगेदर रियल नंबर, ठीक है, और ये कहला है
और एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये तो भाई बिल्कुल उल्टा हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, सारे रियल नंबर, सारे रेशनल प्लस इरेशनल ये मिलके रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है, और ना कि सारे रियल नंबर मिलके इरेशनल नंबर बनाते हैं। ये बात समझ आ गई ना आपको, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर वन में दिए हुए हैं आपके, ठीक है ना, और इनको केवल प्रूफ के साथ यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ पूछ रहा है कि ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 2, ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजरों का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये भी कह रहा है इफ नॉट, यदि नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो ये कह रहा है एग्जांपल के साथ आप बताइए कि वो रेशनल होता है, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब भाई आप ये बताओ, कोई भी ऐसा नंबर लो जो पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, इसका स्क्वायर रूट हो सके, जैसे रूट 4 ले लो, ठीक है, रूट 9 भी ले सकते हो, रूट 16 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें से आप फर्स्ट ही ले लो ये वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट भाई 2 आ गया, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन पे इस पे शो करो, ठीक है ना, तो ये 1 ये 2 होगा। अब आपको पता है कि ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब भाई रेशनल नंबर कैसे है, आपको मैंने बताया था पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। अब बोलोगे सर आप ये तो 2 है, ये कहाँ है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अरे भैया अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी तो ये 2 ही है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 1 गया ना, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर बन गया, और यही ये आपसे पूछ रहा था। तो आपका ये सवाल अच्छे से सॉल्व होता है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट आपको अलग दे दिया, ठीक है। एक नंबर लाइन खींचते हैं हम आराम से प्यारी से, इसको 0 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, इसको -1 ले लेते हैं और इसको -2 ले लेते हैं, इसको -3 ले लेते हैं। अब ये कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमने आपको रूट 3 सिखाया था कैसे रिप्रेजेंट करने, और रूट 2 उसमें ही आ गया था, ठीक है। अब ये रूट 5 आ गया, ठीक है, इसको भी सिखाते हैं आपको कैसे रिप्रेजेंट होता है ये नंबर लाइन पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये रूट 5 है ना, रूट 5 इसको 2 नंबर में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कि हमें हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा, तो इसको जैसे 2 और 1 1 में, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो, यानी कि ऐड करके 5 आ गया। यानी कि हमें ये बात समझ आती है कि हम 2 और 1 की यूनिट में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये 2 यूनिट लेंथ ले लेनी है, 1 और 2, ठीक है, और 1 यूनिट हमें ऊपर ले लेनी है, ठीक है, और इसको ऐसे आपको जोड़ देना है, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है, ऐसे आपको कर लेनी है ये। अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आंसर में लिखना चाहें ए बी लेंथ 2 यूनिट ली और उसके बाद परपेंडिकुलर लेंथ बी सी, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है, और फाइंड हाइपोटेन्यूस सी, ठीक है। नेक्स्ट पाइथागोरस लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो मैंने आपको पाइथागोरस बताई थी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैंने बताया था कि जो हाइपोटेन्यूस होता ना, जो कर्ण कहते हैं हिंदी में, ए सी का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर यानी कि
ए बी और बी सी के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है ना। और आपको ये वैल्यू मैंने बताई है, दी हुई है, इसको 2 है, ये 1 है, तो मैं यहाँ 2 का स्क्वायर कर दूँ, ओके, इसका 1 का स्क्वायर कर दूँ, ये 4 हो गया और ये प्लस 1 हो गया, जोड़ के मेरा 5 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि ए सी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, और मैं ए सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो रूट 5 आ जाएगी। यानी मैं इस बात को मेरी समझ आ गया कि मेरा हाइपोटेनियस यानी ये वैल्यू रूट 5 आ चुकी है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि ए सी हाइपोटेनियस इक्वल टू फाइंड रूट 5, ठीक है। अब मैंने फिर वही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, और उसको कुछ नहीं करना है आपको, इतनी डिस्टेंस लेके ऐसे एक सर्कल बना देना है ऐसे, ठीक है, और ये सर्कल यहाँ काटेगा, इसको बिंदु P ले लीजिए और रूट 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब एक बात आपको डाउट आ रहा होगा कि सर आपने इतनी डिस्टेंस लेके ये सर्कल ही क्यों खींचा, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने ये सर्कल बनाया, ये पूरा ऐसे 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 करके ये सर्कल बनाया, ठीक है ना। अरे भाई एक बात बताओ, ये क्या है, ये रेडियस है, ओके, ये रेडियस है, अगर आप यहां खींचोगे ये क्या है, रेडियस है, यहां खींचोगे ये रेडियस है, यहां खींचोगे ये रेडियस है, ये हर जगह बराबर होती है और ये रेडियस यहां घूम के यहां आ रही है। अरे जाहिर सी बात है कि रूट 5 यही होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 होती है फिनिश, ठीक है, और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। और आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा और उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।